ये कहानी दीपा नाम की लड़की की है, जो कहां से आई कोई नहीं जानता। वह एक गांव में पागल जैसी जिंदगी गुजारने को विवश है। जब गांव का कोई आदमी या औरत उसका नाम पूछता, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती या फिर अपने बालों को खींचने लगती और कुछ बड़बड़ाने लगती है। वो क्या कहती है उसकी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती। लोग उसको पगली पगली कहा करते थे। ए पगली, हट, यहाँ से भाग। अरे ओ पगली, इधर मत आ जाइयो, नहीं तो तेरी खैर नहीं, भाग यहाँ से। जा, मर दूर जाके पगली, यहाँ तुझे कोई कुछ नहीं देगा। मेरे ढाबे के आसपास भी दिखी ना तो हाँ कह देता हूँ। इसी तरह लोगों की धुतकार तिरस्कार से उसका दिन कब शुरू होता और कब खत्म हो जाता वह खुद भी नहीं जानती थी। गांव में कुछ दूर एक मिठाई की दुकान थी। उसकी दुकान पर हमेशा ही बहुत भीड़ लगी रहती थी। उसकी दुकान पर रोजाना नए नए पकवान बनते थे, जिसे दूर बैठे दीपा देखा करती। उसका भी मन होता कि उसे भी कुछ मिठाइयाँ मिल जाएं, लेकिन जब वह दुकान के पास पहुँचती और मिठाई खाते लोगों को देखती, उनसे मिठाई खाने के लिए अपने मुंह की ओर हाथ करके उन्हें इशारे से बताने का प्रयास करती कि उसे भी कुछ मिठाई दे दो खाने के लिए, मैं भी कई दिनों से बहुत भूखी हूँ, तो मिठाई वाला कहता, पगली पगली भाग, नहीं तो अभी डंडे से तेरी पिटाई कर दूंगा। पगली नहीं तो, इसने तो जीना दुश्वार कर रखा है, मरती भी नहीं, पता नहीं कहाँ से आ रही है ये ससुरी। फिर वह मिठाई वाले की धुतकार सुनकर डर के मारे भाग जाती। जब लोग मिठाई खा लेते तो वे पत्तल पास ही पड़े डस्टबिन में डाल देते। उसमें से पत्तल उठाकर दीपा दूर लेकर भाग जाती और उस झूठे पत्तों को चाटने लगती। इसी तरह वह अपना पेट भरने का प्रयास करती। कभी तो वह कुत्तों से भी झूठे पत्तल छीन कर ले जाती और उसे चाटने लग जाती। लेकिन पहले दीपा का जीवन ऐसे नहीं था, उसका भी एक भरा पूरा संसार था। उसमें उसके माता पिता और उसका छोटा भाई था। कार में एक दिन वे सभी अपने पैतृक गांव जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से जा टकराई, जिसमें उसके माता पिता और छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई और केवल दीपा ही अकेली बची। उसके माता पिता के मर जाने के बाद उसकी एक दूर की चाची उसे अपने साथ ले गई और उसने दीपा से रात दिन काम करवाया। शाम को जब वह भूखी होती तो उसको जिंदा रखने के लिए उसकी चाची उसे एक ही रोटी देती। मर जा कर अंजलि, अपनी माँ बाप को भी खा गई, मुझे भी खाएगी क्या, चल जा, जाकर सो जा, कल बहुत सारा काम करना है। कल मुही नहीं तो। चाची, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया मुझे भरपेट भोजन तो दो। अच्छा, तो महारानी को हम भरपेट भोजन नहीं देते, आ जाने दे अपने चाचा को, फिर बतलाती हूँ तुझे। चाचा के वापस आते ही चाची ने अपने पति के कान भर दिए और उसे रात में सोते सोते ही उसका सौदा कर दिया। देख भाई, बड़ी सावधानी से ले जाना, इसे कोई ना जाने। हाँ हाँ, आप चिंता ना करें, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। दीपा के बदले उन्हें बहुत सारा पैसा मिला। जान छिटी कान चोर से, और पैसे भी मिल गए। हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक हुआ ससुरी बोझ बनी पड़ी थी हम पर, आखिर कब तक इसका बोझ उठाता, फिर शादी भी करनी पड़ती इसकी। अजी, जब कल लोग पूछेंगे कि दीपा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? कह देंगे कि गांव से उसका कोई सगा आया था, अपने साथ गांव ले गया। हाँ, ये ठीक है। वह आदमी उसे अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है कि उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और दीपा की जब नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसे कोई कहीं ले जा रहा है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह वहाँ से भाग निकलती है और इस गांव आ जाती है। लेकिन शायद दीपा की जिंदगी में और भी दुख के दिन लिखे हुए थे। एक अकेली असहाय लड़की को सुनसान रास्ते पर रात में अकेला देख कुछ लोगों ने उसकी इज्जत लूट ली। अब तो वह पूरी तरह पागल बन गई। दिन पर दिन बीतते गए,
दीपा का पेट बाहर निकलता जा रहा था। अब वह माँ बनने वाली थी। उसे देख लोग तरह तरह की बातें करने लगे। न जाने किसका पाप पेट में लिए घूम रही है, पता नहीं किसका बच्चा है। कई तो ये भी कहते, इस कलयुग में तो इस पगली को भी नहीं छोड़ा दरिंदों ने। एक दिन उन दरिंदों की शिकार उस दीपा ने 9 महीनों बाद एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को गोद में लिए उसे पुचकारते हुए वह सड़क पार कर रही थी, तभी सामने से आ रही एक तेज ट्रक से उन दोनों की मौत हो गई। मरते मरते दीपा मानो मन ही मन भगवान से सवाल कर रही थी, हे भगवान, मुझे तूने मेरे माता पिता के साथ ही क्यों नहीं उठा लिया? मुझे इस बेरहम दुनिया में असहाय की जिंदगी क्यों जीने को मजबूर किया? आखिर क्या गलती थी मेरी भगवान, आखिर तू ही बता। उसकी मौत के बाद गांव वालों ने उसको गांव के ही शमशान में आग लगा दी और इस तरह उस दयनीय दीपा की कहानी का अंत हो गया।